हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मिडिल ईस्ट की बहुत ही खास डिश फलाफल। फलाफल सफ़ेद छोलों से बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी फलाफल। ये देखिए, फलाफल सफ़ेद छोलों से बनाते हैं। ये मैंने, ये जो हम छोले यूज़ करते हैं वही वाले छोले हैं। ये मेरे थोड़े छोटे हैं, अगर आपके पास मोटे वाले हैं तो वो भी ले सकते हैं। मैंने एक कप छोले अच्छे तरह 3-4 पानी से धो के भिगा दिए थे और इनमें से पानी मैंने निकाल दिया है। फलाफल हम कच्चे छोलों से ही बनाते हैं। अब मैं इनको फूड प्रोसेसर में पीसूंगी। पानी मैंने एकदम से निकाल के अलग कर लिया है, अगर हमें पीसने के समय ज़रूरत लगेगी तो डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक छोटा प्याज ऐसे चॉप कर लिया है, 4-5 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ। ये छोले डाल दूँगी। छोलों में पानी बिल्कुल नहीं डालना है। पहले 1 टेबलस्पून मैं इसमें कच्चा जीरा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। ये देखिए, ये मैंने 1 कप पार्सले लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। अगर पार्सले नहीं है आपके पास तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और यह आधा पार्सले आधा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। एक बार सब चीज़ों को थोड़ा इकट्ठा कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे कि ये बाइंड होने लग जाए। ये देखिए, छोले बहुत ही अच्छी तरह से पिस गए हैं। इसको हमें मिक्सी में नहीं पीसना है, मिक्सी में तो एकदम बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। ये हमें इसका ऐसा दरदरा वाला ही पीसना होता है, तो आप इसको फूड प्रोसेसर में ही पीसें। अब मैं इसको बोल में निकाल लूँ। अब मैं इसको शेप करूँगी। इस स्टेज पे आप इस तरह से ये छोले को पीस के किसी जिप लॉक में डाल के फ्रीज़र में रख दें, तो आप उसको 15 दिन से 1 महीने तक आराम से रखा हुआ ख़राब नहीं होता है और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक बार ज़्यादा सा बना लें, जितना आपको एक बार में बनाना है उतना बना के बाकी मटेरियल उठा के आप उसको जिप लॉक में डाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब मैं इससे शेप करूंगी फलाफल की। फलाफल इस तरह गोल भी बनाए जा सकते हैं, इस तरह भी बनाए जा सकते हैं, टिक्की की शेप में भी बना सकते हैं। मैं ऐसे वाले पसंद करती हूँ, तो मैं ये वाली शेप में बना रही हूँ। ये इस तरह से फटाफट बन जाते हैं। इसी तरह सारे फलाफल को शेप कर लूँगी। सभी फलाफल शेप हो गए हैं, अब इनको फ्राई करूँगी। गैस को ऑन कर रही हूँ, तेल को मीडियम हॉट करेंगे। पहले एक फलाफल छोड़ के देखेंगे, अगर ये नहीं खिलता है तब हम और डालेंगे। अगर बाई चांस फलाफल खिल जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं। ये देखिए, फलाफल सिक गए हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। जो जो सिक जाएंगे उनको निकाल लेंगे। इसी तरह सारे फलाफल फ्राई कर लूंगी। ये देखिए कितने अच्छे फलाफल बने हैं। गैस को बंद कर रही हूँ। सभी फलाफल बन गए हैं, अब मैं इनको सर्व करूंगी। फलाफल ज्यादातर हमस के साथ खाया जाता है, और ये पीता ब्रेड के साथ इसका सैंडविच भी बनाते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे अरेंज करते हैं। ये पीता ब्रेड ऐसे होती है, इसको मैंने आधा काटा है, इसका ये पॉकेट खुल जाता है। ये हमस लेंगे, इसके अंदर लगाएंगे। हमस का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे दिया है, आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उधर से देख सकते हैं। हमस लगाएंगे, थोड़ा प्याज लगाएंगे, 2-3 पीस खीरा के लगाएंगे, जो भी आप सैलेड इसमें लगाना चाहें। ऑलिव्स पसंद हैं तो ऑलिव्स लगा सकते हैं, एलेपिनोज लगा सकते हैं,
और इस तरह लगा के इसके अंदर दो फलाफल लगाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से सैंडविच खाना। अब मैं फलाफल को सर्व करूँगी। ये मैंने हमस लगाया है नीचे, इसके ऊपर अपने फलाफल सेट करूँगी। हमस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उधर से देख सकते हैं। लीजिए, बनके तैयार हैं हमारे क्रंची क्रंची बहुत ही टेस्टी फलाफल। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।